सो हाई कैस वेलकम टू माई चैनल, माई से विशाल चौधरी, आप देख रहे हैं जाट टेक्स यूट्यूब चैनल। सो कस आज की जो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा कुछ लोगों के लिए यूजफुल होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं वैलोरेंट जो काफ़ी फेमस गेम है उसका एक बग या ग्लिच कह सकते हो जो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है पीसी प्लेयर्स के लिए, क्योंकि उनके पीसी में वो गेम रन ही नहीं हो रहा है, उनके विंडोज़ क्रैश होकर एक ब्लू स्क्रीन आ जाती है। जैसे आपको पता ही होगा विंडोज़ में कोई भी एरर आता है तो ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ आ जाती है सामने, तो वैसे ही इसमें आ जा रहा है। तो हम देखते हैं इसको कैसे फिक्स कर सकते हैं। तो इस वीडियो में देखेंगे कैसे हम गेम को ऑन कर सकते हैं। मैं इस वीडियो में पूरा सब गेम ऑन करके दिखाऊंगा, उसके टेंशन ना लो, आगे आपको मिल जाएगा वीडियो के अंदर। सो गाइस वीडियो कंप्लीट देखना। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए। सो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल आ गए अपने पीसी स्क्रीन पे, तो आपको चले जाना है अपने यहाँ पे जब अनइंस्टॉल वाला सिस्टम होता है, जहाँ पे आपको दिस पीसी में जाकर कंप्यूटर में ऊपर क्लिक करके अनइंस्टॉल और चेंज योर प्रोग्राम में चले जाना है। वहाँ पर आपको कर देना है अनइंस्टॉल अपने वैनगार्ड को। इस टाइम आपका पीसी में मतलब वैलोरेंट इंस्टॉल होना चाहिए, तो मैं उसके बाद का फिक्स बता रहा हूँ। ऐसे नहीं कि आप नॉर्मल बिना वैलोरेंट इंस्टॉल करे ही करोगे तो नहीं दिखेगा आपको चीज़ें। तो आप नीचे थोड़ा सा आपको रुक जाते हैं तो आपको नीचे दिख जाएगा, स्क्रॉल करोगे वैलोरेंट का वैनगार्ड जिसका नाम है रायट वैनगार्ड, तो आप उस पर क्लिक करो और उसे मार लो अनइंस्टॉल। मैं जल्दी से अनइंस्टॉल कर लेता हूँ। ये पीसी मेरा थोड़ा स्लो है, ये मेरा 8000 वाला पीसी बिल्ट है, इसकी जो स्पेसिफिकेशन है वो कोर 2 क्वाड Q9500 वाली। तो जो लोग कह रहे थे कि LG775 पे ये गेम नहीं चल पाएगा, कि अब इन्होंने सपोर्ट हटा दिया, ऐसा कुछ नहीं है, ये गेम अब भी चलेगा LG775 पे, मैं आपको दिखाऊंगा इस वीडियो के अंदर। तो कैसे आप नीचे जाओगे तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि यहाँ पे प्रोग्राम फाइल्स में आपका वैनगार्ड जो है वो गायब हो चुका है। तो आगे चले जाते हैं, हमें आपको कंट्रोल पैनल सर्च कर लेना है और यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि नीचे फीचर जिसका नाम है ईज़ ऑफ एक्सेस, ये एक काफ़ी यूज़फुल फीचर है, तो आपको इसे यूज़ करना है आपके आगे की वीडियो को प्रोसेस करने के लिए। तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा वो कीबोर्ड वाला ऑप्शन जो आपको जैसे स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, वहाँ पर आपको ना सेटअप माउस कीज और इन सबको ऑप्शंस को ऑन कर लेना है जैसा मेरी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा। तो मैं जल्दी से ऑन कर लेता हूँ, आप इसे सेंसिटिविटी वगैरह चेंज कर सकते हो। इसका मतलब यह है कि आप अपने नम लॉक से अपने माउस के कर्सर को कंट्रोल कर सकते हो। तो अप्लाई करके इसे कर देते हैं रिफ्रेश और खोल लेते हैं अपने यहाँ पे वैलोरेंट। तो जैसे मैंने डबल क्लिक कर लिया अपने वैलोरेंट पर, मेरा वैलोरेंट खुलने वाला है जल्दी से। तो जैसे ही वैलोरेंट खुलता है आपको सबसे पहले ऑप्शन मिलेगा रायट क्लाइंट, आपको इसे यस कर देना। ये रायट के वैनगार्ड को इंस्टॉल करने के लिए ही एडमिनिस्ट्रेटर की परमिशन मांग रहा है, तो हमें इसे दे देनी है परमिशन। तो इस टाइम आपको अपना कुछ भी छेड़ना नहीं है, बस आपका जैसे ही आपका इंस्टॉलिंग डिपेंडेंसी होगा उसके बाद आपका ये हो जाए कंप्लीट। तो इस टाइम आपको क्या करना है, सबसे मेजर चीज जो आपको अब करनी है वो वीडियो के अंदर है, जिसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले तो अपना लॉगिन रखे रखना है। जैसे आपको साइन आउट करना होता है, स्टे साइन इन करके लॉगिन रखे रखना है और अपने माउस को अपने पीसी से डिस्कनेक्ट कर देना है। जैसे USB से आपका माउस लगा होगा या कैसे भी लगा हो ब्लूटूथ वगैरह से, उस सबको डिस्कनेक्ट कर देना है और जल्दी से भी आपका पीसी में माउस लगा रहना है, वरना आपकी वही ग्लिच होगा। तो ये एक बहुत बड़ा ग्लिच है जो मैंने यूट्यूब पर काफ़ी सर्च करने का ढूंढा। तो इसके बाद करना है सिंपली रिस्टार्ट करना है, जैसे आप नॉर्मल पहले गेम को रिस्टार्ट करते थे राइट के वैनगार्ड को इंस्टॉल करने के लिए। तो मैं करता हूँ पीसी को रिस्टार्ट। तो जब मेरा पीसी दोबारा ऑन हुआ, ये है मेरा सेकंड टाइम पीसी, तो मैं विंडोज़ की दबा के वैलोरेंट खोलूंगा, क्योंकि मेरा माउस तो चल नहीं रहा, तो मेरे को विंडोज़ की दबा के ही खोलना पड़ेगा अपने वैलोरेंट को। तो मैं यहाँ पे सर्च करके वैलोरेंट खोल चुका हूँ। तो जैसे आप देख सकते हो मेरा गेम खोला, बट ये सेकंड टाइम में आपका वायर्ड का वैनगार्ड इंस्टॉलाइज नहीं हुआ। अब मुझे पता नहीं, सेकंड टाइम में कभी नहीं होता, मैं हर बार ट्राई करा तो कभी भी सेकंड टाइम इंस्टॉलाइज नहीं हुआ। तो अब मैं करूँगा फिर से थर्ड टाइम रिस्टार्ट। तो उसको करने के लिए आपको अभी तक अपना माउस डिस्कनेक्ट रखे रखना, बिल्कुल अपना माउस आप निकाल के साइड में कहीं रख दो, अपनी गलती से भी पीसी के अंदर मत लगाना वरना आपका पीसी क्रैश हो जाएगा। तो सेम वही प्रोसेस, इस बार आपको क्या करना है, विंडोज़ प्लस एक्स दबाना है, उसका आपके साइड का मोड खुल जाएगा, फिर आप अपने नेविगेशन स्क्रीन से कर करके अपने आपको फिर से पीसी को रिस्टार्ट मार दो। तो अभी मेरा थर्ड टाइम जब पीसी ऑन होगा, तो ये तो कह सकते हैं मेरा थर्ड टाइम पीसी ऑन हो चुका है। तो इसमें मैं फिर से विंडोज़ की दबा के वैलोरेंट सर्च कर लेता हूँ, ये मेरा लास्ट टाइम होने वाला है। तो इसमें आप देख सकते हो इस बार मेरे में कुछ डिफरेंस आया है, रायट के UX कंट्रोलर्स वगैरह खुल गए हैं। तो आपको यहाँ पे प्ले का ऑप्शन दिख रहा है, तो कब जनरली प्ले का ऑप्शन नहीं आता, सीधा गेम खुल जाता है, बट इसमें हमारे प्ले का ऑप्शन आया है तो हम इसे भी देखना है। तो आप क्या करना है, अपने नम ब्लॉक ऑन कर लेना है। नम ब्लॉक ऑन करने से जैसे मैंने फीचर बताया था वो ऑन हो गया, उससे आप नेविगेशन की से नेविगेट करके प्ले पे 5 बटन दबा दो अपने नम ब्लॉक पैड का। तो 5 बटन दबाओगे तो वो ओके का बटन है, मतलब लेफ्ट क्लिक, तो आपका गेम हो जाएगा रन। तो जल्दी से गेम को रन होने देते हैं, खेलने देते हैं गेम को। तो आप देख सकते हैं मैं कुछ भी वीडियो स्किप नहीं कर रहा हूँ, पीछे मेरा गेम खोल रहा है, बस मैं वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है। आप नीचे चाहे टाइम भी देख सकते हो, इसलिए मैंने इसे विंडोड मोड में ही चलाया जिससे आपको नीचे टाइम भी दिख जाए। तो अब मेरा जल्द से गेम खोलने दीजिए।
सो गाइस देख सकते हैं मेरा गेम ऑन हो चुका है बिना किसी एरर के, जैसे आपको बताया था। तो मतलब इसका मतलब ये है कि LG 775 पे अब भी वैलोरेंट रन हो सकता है, जो कुछ लोग कह रहे थे कि LG 775 पे वैलोरेंट नहीं चलेगा। तो आप देख सकते हैं सामने प्रूफ दिख रहा है आपको, LG 775 पे भी वैलोरेंट चल रहा है। तो मेरा यहाँ पे लास्ट टाइम मैंने गेम ऐसे लीव कर दिया था तो मेरा ग्लिच हो रहा है। तो आपको वही नमलॉक करके आपको नमलॉक ऑन रहने देना है और अपने कर्सर की इससे आई अंडरस्टैंड करना है, क्योंकि मेरे में आ रहा था आपके में नहीं आएगा। और ऊपर चले जाना है प्ले के ऑप्शन पे। तो मैं फटाफट, थोड़ा स्लो प्रोसेस है बट आप प्ले के ऑप्शन में जाओगे तो आपका वैलोरेंट चलने लगेगा। तो आप देख सकते हो सब चीज़ वर्किंग है, कुछ भी दिक्कत नहीं है। आप चाहो तो डेथ मैच भी चला सकते हो, अपना कोई भी रेप्लिकेशन मोड चला सकते हो। कॉम्पिटेटिव तो मैं चाहूँगा आप ना ही चलाओ, क्योंकि बिना माउस के तो खेलना इस गेम को इम्पॉसिबल है, क्योंकि FPS शूटर गेम है। और जैसे अगर आप इस दौरान कभी भी आप माउस कनेक्ट करोगे तो आप गेम क्रैश हो जाएगा। तो आप माउस को कनेक्ट नहीं कर सकते, आपको वेट करना ही पड़ेगा कि जब तक वैलोरेंट अपना अपडेट नहीं लाता, जो उसका पिछले वेनेसडे जाने वाला था बट वो आया नहीं। आप ये सीधा 8 जून को आएगा, जिसका जो डेट है ट्यूसडे, मतलब उसके रात को आएगा, मतलब अगले दिन वेनेसडे को आपको मिल जाएगा अपडेट। तो आप जब भी वेनेसडे को, तो आप रिमाइंडर लगा सकते हो अपने में कि आपका वैलोरेंट का अपडेट आने वाला है। तो आप देख सकते हैं कोई भी ग्लिच नहीं हुआ, मतलब कोई भी एरर नहीं आया, हमारा गेम खुल चुका है और LG 775 पे ही खुला है। मैं आपको बताऊँ तो ये मेरे 8000 वाला पीसीबिलिटी है जो मेरी वीडियो में आप देख सकते हो। तो देख सकते हो आप, मैंने फिक्स कर दिया है। तो आपको इसका अगर मुझे फिक्स मिलता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मतलब कोई भी फिक्स मिलेगा तो आपको चैनल बता दो। तो शुरू कर लेते हैं अपने गेम प्ले को, जो मेरा बिना माउस का होने वाला है। तो देखते हैं कैसा खेल पाते हैं, हम एक भी किल ले पाते हैं कि नहीं, तो देखते हैं कैसा होता है गेम प्ले। सो गाइस, अगर ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल है आपके लिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और लाइक कर दिए वीडियो को। अगर आपको इसका कोई भी फिक्स पता है तो आप मुझे कमेंट में बताना, क्योंकि मुझे इसका फिक्स खुद ढूंढना है। मेरे दो कंप्यूटर में, एक i3 और एक कोर 2 दोनों में ही नहीं चल रहा है वैलोरेंट। पता नहीं क्या ग्लिच है वैलोरेंट का। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस।